ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। ये तो आप और हम जानते ही हैं कि रूस और यूक्रेन में भारी जंग लगातार चल रही है और दोनों किसी भी हाल में पीछे हटने या फिर युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ यूक्रेन के साथ नाटो खड़ा है तो रूस अकेले ही अपने दम पर युद्ध लड़ रहा है। लेकिन इस बीच गुरुवार को खबर आई कि रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन ने जिस गोला बारूद का इस्तेमाल किया उसमें भारत का गोला बारूद भी है। अब जैसे ही यह खबर सामने आई सुनने वाले हैरान रह गए। इस बात का खुलासा रॉयटर्स की रिपोर्ट से हुआ था जिसमें इस बात का दावा किया गया था कि इटली और चेक रिपब्लिक भारत से बड़ी मात्रा में हथियार खरीदते हैं और बीते एक साल से इन्हीं दोनों देशों से यही गोला बारूद यूक्रेन पहुंच रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रूस की तरफ से एक नहीं दो दो बार भारत से इसकी बाकायदा शिकायत की गई थी। इतना ही नहीं, बीती जुलाई को रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच जो बैठक हुई थी उसमें भी इस मामले को उठाया गया था। लेकिन अब भारत ने न केवल इस रिपोर्ट को खारिज किया है बल्कि साफ कह दिया है कि भारत जो भी नियम तय किए गए हैं उन सभी का पालन भी करता है और इस मामले में भारत की छवि पूरी तरह से बेदाग रही है। दरअसल ये रिपोर्ट न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की तरफ से सामने आई थी जिसमें ये बताया गया था कि मामले में ना तो रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने और ना ही भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इससे जुड़े सवालों का जवाब दिया है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में ये बताया गया कि जिस गोला बारूद का इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है उसका निर्माण भारत में होता तो है लेकिन काफ़ी कम मात्रा में। खबर के मुताबिक ये भी बताया गया था कि इस गोला बारूद को किसने बनाया है और इसे बनाने वाली कंपनी का नाम यंत्र इंडिया बताया गया जो कि सरकारी कंपनी है और इसका मुख्यालय नागपुर में है जिसकी स्थापना साल 2021 में ही हुई थी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि अभी ये पता नहीं चल सका है कि ये गोला बारूद जिन यूरोपीय देशों को भारत से पहुंचना था उन देशों ने इसे यूक्रेन को बेचा या फिर दान में दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रूस के विरोध के बाद भी भारत ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। इसमें तीन भारतीय अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया कि रूस ने दो मौकों पर भारत से इसकी शिकायत की है। अब नियम क्या है इसे समझ लीजिए। भारतीय हथियार निर्यात नियम के मुताबिक अगर किसी देश को भारत वो हथियार बेचता है तो उसका इस्तेमाल सिर्फ वही देश कर सकता है। यानी कि जिस देश को भारत ने हथियार बेचे हैं अगर वो किसी और को हथियार देता है तो ये भी नियमों का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, अगर कंपनी को इस बारे में जानकारी मिल जाती है तो हथियारों की डिलीवरी तक रोकी जा सकती है। लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की तरफ से आई रिपोर्ट के बाद भारत सरकार ने इस पर तुरंत जवाब भी दिया और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे गलत और शरारत वाला भी बताया है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने रॉयटर्स की रिपोर्ट देखी है और ये अटकलें लगाने वाली और भ्रामक है। इसमें नियमों के उल्लंघन की बात कही गई है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मिलिट्री सामानों के निर्यात को लेकर भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करता है और इसमें भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग है। इस मामले में भारत की तरफ से क्या कहा गया है ये पूरा जान लीजिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसका जवाब लिखा है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि भारत के पास सैन्य और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुपालन का त्रुटिहीन ट्रैक रिकॉर्ड है। भारत अपने रक्षा निर्यात को अप्रसार पर अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को ध्यान में रखते हुए और अपने स्वयं के मजबूत कानूनी और नियामक ढांचे के आधार पर कर रहा है जिसमें अंतिम उपयोगकर्ता दायित्वों और प्रमाण पत्रों समेत प्रासंगिक मानदंडों का समग्र मूल्यांकन भी शामिल है।